हेलो दोस्तों, सवाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू कर चुके हैं। इस चैप्टर के हम कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जिनमें हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तक का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। आप चाहें तो वो वीडियोज़ जाके वापस देख सकते हैं। आज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जिनमें से पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। दोस्तों, इसकी चार कंडीशन है। ये तब वैलिड होगा जब कंडक्टर स्टैटिक स्टेट में है, यानी कि जब कंडक्टर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ये तब वैलिड होगा चाहे कंडक्टर पे कोई चार्ज हो या ना हो, और ये तब भी वैलिड होगा जब कंडक्टर के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है। देखिए दोस्तों, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि फ्री टू मूव होते हैं। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कि कंडक्टर के बाहर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल हमने लगा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, अभी स्टैटिक स्टेट नहीं आया है, तो ये इलेक्ट्रिक ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्टर के, उसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे ई एक्सटर्नल यहां लगेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाएगी इलेक्ट्रॉन पे, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके इधर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही करते 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाएंगे। होगा ये कि दूसरी साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह, इस ई एक्सटर्नल की वजह से जो ये चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, नेगेटिव चार्जेस इस साइड और पॉजिटिव चार्जेस इस साइड, इसकी वजह से भी आपको दिख रहा है ये एक डाइपोल जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। नेगेटिव चार्जेस इधर है, पॉजिटिव चार्जेस इधर है, तो इसकी वजह से भी एक इंटरनली कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का डायरेक्शन कितना होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ई इंड्यूस्ड। दोस्तों, क्योंकि एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ई इंड्यूस तब तक बढ़ता जाएगा जब तक वो ई एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। ई इंड्यूस्ड ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि जब तक एक कंडक्टर के अंदर ई एक्सटर्नल ज्यादा रहेगा ई इंड्यूस से, तब तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में लगता रहेगा, और जब तक एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगती रहेगी, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगती रहेगी तब तक वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। वो मूव करना कब छोड़ेंगे, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी, तो देखिए ई एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में, और ई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में लग रहा था, दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और ई नेट इनसाइड द कंडक्टर हो जाएगा जीरो, ठीक है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर में ही होता है क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल के बराबर आते आते इलेक्ट्रॉन्स उससे पहले ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अंडर दीज कंडीशंस। स्टैटिक स्टेट में होना चाहिए, इसका मतलब कोई करंट नहीं होना चाहिए, चाहे चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा रूल है, एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस इन स्टैटिक स्टेट। आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई सर्फेस है चार्ज कंडक्टर की,
ठीक है, इस पे चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, और हमें ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस के इन स्टैटिक स्टेट। तो शुरू करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करते हैं जो कि नॉर्मल ना हो इस सरफेस के, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कीजिए, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो और दूसरा ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल हो, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो, ये स्टैटिक स्टेट से पहले की बात कर रहे हैं हम। स्टैटिक स्टेट का मतलब क्या होता है, जब किसी कंडक्टर में कोई करंट ना हो, ठीक है। तो ये ई टेंजेंशियल की वजह से ये जो चार्जेस हैं सरफेस पे उन पे एक फोर्स लगेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस हैं तो फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। अब इस फोर्स के कारण ये जो चार्जेस हैं ये ड्रिफ्ट करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे मतलब एक साइड से दूसरी साइड मूव करेंगे। मूव किसी चार्ज के मूव करने को हम क्या कहते हैं, करंट होता है वो, ठीक है। तो ये कब तक मूव करेंगे ये नेगेटिव चार्जेस एक साइड तक, एक साइड को, ये तब तक मूव करेंगे दोस्तों जब तक ये ई टेंजेंशियल को पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर देते, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ही ई टेंजेंशियल जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रुक, इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस का मोशन रुक जाएगा, मोशन रुक जाएगा, हम कहेंगे स्टैटिक स्टेट आ गया है। और स्टैटिक स्टेट में बचेगा क्या, ई टेंजेंशियल तो खत्म हो गया, बचा सिर्फ ई परपेंडिकुलर। तो वही हमारा रूल है दोस्तों, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस इन स्टैटिक स्टेट, ठीक है। तीसरा रूल है कि इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एक न्यूट्रल कंडक्टर है आपके पास, जिसकी जिसमें एक चार्ज इंड्यूस किया गया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक चार्ज कंडक्टर है चाहे इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, इन दोनों केसेस में जो भी चार्ज होगा चाहे वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो या फिर वो इंड्यूस्ड हो, ठीक है, जो भी चार्ज होगा वो कंडक्टर की सरफेस पे ही आपको मिलेगा, कंडक्टर के इंटीरियर पे कोई चार्ज नहीं मिल सकता, ये गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों है दोस्तों, आइए देखते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो अगर हम कोई भी गॉसियन सरफेस चूज करें, ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड द कंडक्टर और ये एक गॉसियन सरफेस है कवरिंग ओनली द इनसाइड्स ऑफ द ऑफ अ कंडक्टर, तो फ्लक्स भी होगा आपका जीरो। अब फ्लक्स जीरो है तो यू कैन से दैट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज जीरो, दैट मींस क्यू इज जीरो, और क्यू क्या होता है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ना कि ये जो गॉसियन सरफेस है हम किसी भी पॉइंट के अराउंड ले सकते हैं, मानो कि इस इंटीरियर पॉइंट के अराउंड लेना है तो आप ये वाली गॉसियन सरफेस चूज कर लो, इस इंटीरियर पॉइंट के अराउंड लेना है तो आप ये वाली गॉसियन सरफेस चूज कर लो। वैसे ही हर पॉइंट के लिए आप एक गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हो और ये प्रूव कर सकते हो कि उस पॉइंट पे चार्ज जो है वो जीरो है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। चौथा रूल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो कंडक्टर पे, या तो उसकी सरफेस पे चूज कर सकते हो या तो उसके अंदर इनसाइड कोई पॉइंट चूज कर सकते हो, आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर करोगे तो वो वैल्यू कॉन्स्टेंट आएगी, सेम आएगी हर पॉइंट के लिए, ठीक है, चाहे वो पॉइंट सरफेस पे हो चाहे वो पॉइंट इनसाइड हो। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है कि नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस होता है परपेंडिकुलर, ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई चार्ज को लेके जाना है
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है। और मान लीजिए सरफेस पे ये पॉइंट था और उससे आपको दूसरे पॉइंट इस पॉइंट पे लेके जाना है, तो वर्क डन कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको सरफेस से किसी इंटरनल पॉइंट पे कोई चार्ज को लेके जाना है, तो फिर वर्क डन कितना होगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वर्क डन फिर जीरो आएगा, है कि नहीं। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है कि नहीं। तो जब वर्क डन ही जीरो है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो पोटेंशियल होगा कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो V इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। फिफ्थ रूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सिग्मा क्या है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, और एन कैप क्या है, इट इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है जिसपे जिसकी सरफेस पे एक चार्ज है, ठीक है। अब आप क्या करो, एक गॉसियन सरफेस चूज करो, कैसी, एक सिलेंडर, वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ध्यान रखना दोस्तों, वेरी स्मॉल चूज कर रहे हैं, वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये मैंने गॉसियन सरफेस बना दी, ये गॉसियन सरफेस थोड़ी इस कंडक्टर के अंदर है और थोड़ी इसके बाहर है, ठीक है। तो अब एक सिलेंडर में तीन एरियाज आपको मिलेंगे, एक तो बॉटम सर्कल मिलेगा, एक टॉप सर्कल मिलेगा और एक कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, ठीक है। इनको मैं नाम दे देता हूँ 1, 2 और 3, ये तीन एरियाज को मैंने नाम दे दिया है। इनर सर्कल को जो कंडक्टर के अंदर आएगा एरिया 1, बाहर जो आएगा सर्कल वो एरिया 2, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो है एरिया 3, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि ये गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना इंक्लोज्ड है दोस्तों, चार्ज कितना इंक्लोज्ड होगा, सिग्मा इनटू एरिया इंक्लोज्ड, है कि नहीं। हम ये लिख सकते हैं, अगर हमने वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी है ना, तो हम अगर एरिया ऑफ दिस सर्कल को डी एस मानते हैं तो चार्ज हम लिख सकते हैं सिग्मा डी एस, है कि नहीं। अगर ये एरिया डी एस है तो ये वाला भी एरिया डी एस ही होगा, क्योंकि सिलेंडर में दोनों सर्कल के एरिया बराबर होते हैं। तो फाइनली हमारा चार्ज आ गया सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स टोटल थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अब दोस्तों ये देखो, आप अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें इनसाइड द कंडक्टर, क्या होगा अंदर कंडक्टर के, दोस्तों डायरेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, है कि नहीं। तो फ्लक्स थ्रू एरिया वन कितना होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फ्लक्स थ्रू एरिया वन होगा जीरो, ठीक है। आप देखो फ्लक्स थ्रू एरिया थ्री, एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या है, हम परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाएंगे तो डायरेक्शन हमें मिल जाएगा ऊपर की तरफ, है कि नहीं, या फिर नीचे लगाएंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा हमें नीचे की तरफ। और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है कि नहीं। तो अब आप देखो, इधर वाला यूनिट नॉर्मल देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना है, 90 डिग्रीज,
नीचे वाला भी यूनिट नॉर्मल देखोगे तो इसका भी एंगल कितना है 90 डिग्रीज। फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, या फिर ई ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना है आपका? 90 डिग्रीज। तो कॉस 90 कितना होता है? जीरो। यानी फ्लक्स थ्रू एरिया 3 भी हो गया आपका जीरो, है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी फ्लक्स इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू निकल रहा है वो सिर्फ इस एरिया 2 की वजह से निकल रहा है। मैं मिटा देता हूं दोस्तों ये थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए। जो भी फ्लक्स आपका इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू निकल रहा है वो इस एरिया के थ्रू, एरिया 2 के थ्रू ही निकल रहा है, ठीक है दोस्तों? तो हम अब ये लिख सकते हैं अपना गॉस लॉ का फॉर्मूला, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस। डी एस क्यों? क्योंकि हमने इसका एरिया डी एस अज्यूम कर रखा है, ठीक है? इज इक्वल टू सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अब ये मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया है, लेकिन आप बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? देखो एरिया वेक्टर जो है वो भी इसी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कॉस थीटा इक्वल टू वन, ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं कि ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी एस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। मैं क्लियरली लिख देता हूं, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और डायरेक्शन हमें पिछले रूल से पता ही है दोस्तों कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, अगर मैं एन कैप मानता हूं नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है विद अ कैविटी, ठीक है? कैविटी का मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेटल का बॉक्स पड़ा है। अब मेटल के बॉक्स की बॉडी तो कंडक्टर की होती है लेकिन अंदर जो है वो तो खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस को कैविटी कहते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है विद अ कैविटी, हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, बाहर से। तो अब इस कंडक्टर में चार्जेस तो इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी, इनसाइड दिस फ्री स्पेस हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है? एज लॉन्ग एज इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, ठीक है? दूसरा केस देखते हैं, मान लो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, इस कंडक्टर को ही चार्ज कर दिया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज दे दिया लेट से, ठीक है? तब भी इस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा एज लॉन्ग एज इसमें कोई कैविटी के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, ठीक है? तो ये तो हमारे दो केसेस रहे। अब इसके यूज बड़े होते हैं दोस्तों। मान लो आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और आपकी गाड़ी जो मेटालिक होती है, कंडक्टर की बॉडी होती है गाड़ी की, उस पर बिजली कड़कती है तो आपको अंदर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक कंडक्टर के अंदर बैठे हो, कंडक्टर की वजह से इनसाइड द कैविटी जिसमें आप बैठे हो, कैविटी में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा और आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम यूज इसका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। हम किसी मेटालिक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रख देते हैं जिससे कि वो आउटसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में ना आ सके। तो फ्रेंड्स ये थी प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की। अब आगे पढ़ेंगे हम डाइलेक्ट्रिक्स।